जब इरादा हो पक्का तो रख दें वक्त का रुख मोड़कर, चाहे कितनी ही कोशिश कर ले जमाना, नहीं जाएंगे तुझे छोड़कर। कैसी हैं करिश्मा सिंह? करिश्मा सिंह, आप ठीक हैं? करिश्मा सिंह, अब चलिए, आई आई आई, बैठी बैठी बैठी, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से एम्बुलेंस, डॉक्टर कॉल। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर, अरे कुछ नहीं हुआ है आपको, अगर आप ठीक हैं, आपको कुछ जरूरत है, हम लेके चलते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है? हम लेके चल रहे हैं। पुष्पा जी? हाँ पुष्पा जी, पुष्पा जी आपके साथ थी क्या? अरे हमें तो कहीं दिखाई नहीं दी। ठीक है कोई बात नहीं, थाने पहुँच कर उन्हें फोन करेंगे, वो भी वहीं आ जाएंगे, ठीक है? ताना? कौन सा ताना? तुम कौन सा ताना में पोस्टेड? क्या ये कैसे बात कर रही हैं आप करिश्मा सिंह? क्या हो गया आपको? अब वो केस के लिए कैरेक्टर में मैं घुसता, मैं कैरेक्टर प्ले करता, उसका रिहर्सल करता मैं। ओ वाओ, वेरी गुड। लेकिन आप थाने के बारे में क्यों पूछ रही हैं? अपना महिला पुलिस थाना और कौन सा थाना? लगता है ये भी उधर ताने का ही स्टाफ, मतलब डायरेक्ट लिफ्ट, थैंक यू गॉड। पर वो करी अम्मा बोली ज्यादा किसी से बात नहीं करना, स्पेशल पुलिस वाले से चुप रहना करीना, बिल्कुल बात मत करना। क्या हुआ करिश्मा सिंह, आप ठीक है ना? आप हमें देखकर खुश नहीं है? मतलब आप पूछेंगे नहीं कि हम कहाँ थे, कैसे थे, अब तक क्या कर रहे थे, अचानक कैसे वापस आ गए, कुछ भी? अयो अम्मा कितना बोलती है औरत, पक 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 पक, फेस से कितना डिसेंट और अकल से कितना नॉनसेंस। अरे क्या हुआ करिश्मा सिंह, कुछ तो कहिए। बात करने का मूड नहीं, ओके? ओके, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो हैंडल करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। गोली चलाई हमने आप पर, आपको शौक थोड़ा बनता है, हम समझते हैं, लेकिन अयो अम्मा, गोली चलाया हम पर? गोली चलाया उन्हीं पुलिस वाली कातिल हसीना रिवॉल्वर रानी, अयो अम्मा stop, stop. क्या क्या हुआ? I said stop, car stop. क्यों लेकिन? तुम गाड़ी रोकता नहीं तो मैं बाहर कूदता। शांत हो जाइए, बंद कीजिए, तमाशा बहुत हो चुका, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं। और आप प्लीज हमारे सामने नॉर्मल तरीके से बात कीजिए, ये आप कैरेक्टर में हमारे साथ आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को तुम्हारे साथ नहीं जाना, मेरे को बाहर जाना, मेरे को निकालो। शांत हो जाइए, that's an order. मैं तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जाना है? तुम फिर से गोली चलाया तो? फिर से गोली क्यों चलाएंगे, हम पागल हैं क्या? तुम पहले पागल था क्या जब तुमने गोली चलाया था पहले? क्या ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें लगा था कि आप समझ चुके हैं कि हमने आप पर गोली क्यों चलाई थी। बहरहाल रहने दीजिए, थाने चलकर इत्मीनान से बात करते हैं, अभी आप चुपचाप यहाँ बैठी रहिए, थाने जाएंगे फिर हम बात करेंगे, क्लियर? अब क्या हुआ आप? ओके ठीक है, सॉरी हमने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया आपको, ठीक है? ज्यादा जान निकल गया हमारा आधा, तुमको पता मैं कौन? नहीं हम नहीं जानते आप कौन हैं, हम जिंदगी में आपसे पहली बार मिल रहे हैं, हम आपका नाम तक नहीं जानते करिश्मा सिंह, ठीक है? वही तो मैं बताता कि मैं कौन, मैं पता नहीं क्या समझता खुद को। अरे अरे ओ, यहाँ पे वो पुलिस वाली बैठी थी, कहाँ चली गई? अबे हमें दूसरी पुलिस लेके गई। दूसरी पुलिस लेके गई? करिश्मा जी तो नहीं लेके गई? हे भगवान, अब कुछ खैर नहीं, ना उनकी और हमारी। शिव जी। हेलो। हेलो, कहाँ हो? यहाँ हमें अकेला छोड़ के कहाँ चली गई तुम? मैं गाड़ी में थाने को आता। थाने जा रही हो? किसके साथ? खूनी हसीना है? मुझे यानी करिश्मा सिंह पे पहले गोली मारने का ट्राई किया, फिर कन्फेस किया, अभी मेरे को लिफ्ट दिया, मुझे लेकर आता, पूरा नाम हसीना मालिक बोलता। क्या 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 नाम बोला तुमने? हसीना मालिक। हसीना मलिक तुम्हारे साथ है? मेरे को लिफ्ट दिया, मैं आता अभी। ये
किससे बात कर रही थी आप? कौन था फोन पे? तुमको क्या करना, मेरा गुरु मेरे को एक्टिंग सिखाता, कांस्टेबल पुष्पा जी। क्या आपने उन्हें हमारे बारे में बता दिया? क्यों, नहीं बोलना था? नहीं बोलने का मतलब नहीं बोलना था करिश्मा सिंह, पुष्पा जी को बताना मतलब पूरे शहर को बताने जैसा होगा। क्या मैडम सर आ रही है? फिर तो तैयारी होना चाहिए। मैडम सर, अरे फुल ऑन तैयारी करो। फुल लगाओ इधर। देखा, इसीलिए हम चाहते थे कि जिस शांति से हम वहां से निकले हैं उसी शांति से हम वापस चले जाएं। लेकिन पुष्पा जी के जाने के बाद तो अब हो नहीं सकता। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। बात तो ऐसा करता जैसे बहुत बड़ी हीरोइन, लोगों का क्राउड इकट्ठा हो जाएगा इसको देखने को, ऑटोग्राफ लेने को टूट पड़ता मैडम पर। अरे अम्मा, ये सब मेरा लिए? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? Thank you. आखिर हमारे महिला पुलिस थाने की जीत हुई। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। वेलकम बैक। थैंक यू। ये पकड़ो प्लीज। दीजिए दीजिए मैडम सर, दीजिए। चले आइए। इसके लिए इतना तामझाम क्यों होता? क्या ये भी मेरे जैसा कोई सेलिब्रिटी होता? मजाक कर रही हो ना आप? हाँ करता। वही तो हम सोची कि जय पूछे वीरू कौन है, शाहरुख पूछे सलमान कौन है, और राम पूछे बलराम कौन है, और कश्मीर मैडम पूछे मैडम सर कौन है। वही तो मजाक ही है ना मैडम सर। कश्मीर मैडम। मैडम सर, जय हिंद पुष्पा जी। आखिरकार बहुत इंतजार कराया आपने मैडम सर, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली और जो खोया था सब कुछ वापस मिल गया। अपना पूरा बिखरा हुआ परिवार एक हो गया मैडम सर। हाँ सच में, और इनफैक्ट आप सब ने मिलकर जो किया है उस बात के लिए हमें आप सब पर बहुत बहुत फक्र है। अंदर चलिए मैडम सर, आपका ये थाना अपने एसएचओ का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आइए मैम। आइए 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 मैडम सर। आइए आइए सर, वेलकम। आइए आइए सी। हमारे पास शब्द नहीं है आप सबसे मिलकर यहाँ हमारे इस थाने वापस आकर हमें कितनी खुशी हो रही है, कितना सुकून महसूस हो रहा है, वो हम कैसे कहें, हमें समझ में नहीं आ रहा। और हम जानते हैं कि आप सब भी हमसे मिलकर बहुत खुश हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन कोई तो है जो खुश नहीं है। हमारे वापस आने पर करिश्मा सिंह को शायद इतनी खुशी नहीं हो रही है। अरे मैडम सर, ये वो नहीं है, ये करिश्मा जी नहीं है। अच्छा तो कौन है इनकी, जुड़वा बहन? हाँ मैडम सर, जुड़वा बहन ही है। जी मैडम सर, सीता और गीता, राम और श्याम। ये करिश्मा जी नहीं है, ये करीना ही है। नहीं नहीं नहीं। फिर क्यों ले रहे ना आप सब? मजाक कर रहे ना आप हमारे साथ कि मैडम सर वापस आई हैं, तो चलिए उनकी टांग खींचते हैं। अब मायसेल्फ करीना, तो मेरा नाम इंटरनेट में सर्च करता, इंटरनेट हिल जाता,
मैं साउथ में बहुत फेमस एक्टर, अब साउथ से यहाँ आकर मैं बॉलीवुड हिलाता। अच्छा, अगर तुम करीना हो तो करिश्मा सिंह कहाँ है? करियम्मा। बहुत याराना लगता, अब मैं यहां से भागता। तो फिर मैडम सर, ये सब हुआ कैसे? आपने कैसे अपने आप को निर्दोष साबित किया? आपकी वजह से। आप नहीं होती तो आज हम यहाँ इस तरह से बैठे हुए नहीं होते। देखिए, दरअसल आप सब की तरह हम भी बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर वो कौन है जो हमें इस तरीके से फंसाना चाहता है, इसलिए हमें अंडरग्राउंड होना पड़ा। फिर हुआ मिश्री पांडे का ट्रांसफर, वो भी प्रमोशन के साथ। ये हमारा ट्रांसफर ऑर्डर, तत्काल आदेश से हमें भेजा गया है यहाँ पर हसीना मलिक की जगह पर। तब हमें उस पर शक होने लगा। जब हमने अपने लेवल पर तफ्तीश करने की कोशिश की तो पता चला कि ये सारा किया धराया उसके विधायक मामा का है। नहीं, मगर ये सब करने के पीछे उनका मकसद क्या होगा? करिश्मा सिंह, जब आपने मिस्त्री पांडे को करप्शन के इल्जाम में अरेस्ट करवाया, तब उसके खिलाफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन के तहत उसके और उसके मामा के घर पर सीक्रेट रेड डाली गई और उस रेड में बरामद हुए ढेर सारे अवैध हथियार। जी हाँ, उसके मामा अवैध हथियारों का काला धंधा चलाते हैं। हमसे डरते थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश की। जब ये बात उन्होंने सबके सामने कन्फेस की कि उन्होंने ही हमारे घर पर वो सारे सबूत प्लांट किए थे, हमें फंसाने की कोशिश की थी, तो हमें क्लीन चिट मिल गया और हम आप सबके सामने वापस आ गए। तजुर्बा कहता है हमारा कि सच चाहे कितना ही धुंधला क्यों ना हो जाए, कभी हारता नहीं है। सत्यमेव जयते। इतना अच्छा लग रहा है ना चीति, मैडम सर वापस आ गई है। लाइफ इतनी सॉर्टेड हो गई है, लाइफ का जैसे मेन पजल ही सॉल्व हो गया हो। कल की पार्टी भी अच्छी हुई ना? हाँ, मैडम सर का औरा भी इतना अच्छा है। चीता, तुम उनसे प्यार नहीं करता क्या? कैसी लगती हूँ मैं तुझे? चीते, मैं तुझे छी लगती हूँ? छी नहीं संतू जी, अच्छी। हम अच्छी बोल रहे थे संतू जी। क्या बताएं संतू जी, ये आदम खोर उदबिलाव हमारे बगल में सो रहा है, ये ऐसा घटिया, इतना विचैला, उल्टा डकार लिया ना कि हमारा अच्छी छी में बदल गया संतू जी। नहीं चीते, तू सो रहा था ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सर संतू जी, हम तो आपका मीठा मीठा मधुर मधुर आवाज सुन रहे थे। इसका इसका कसम, उठ उठ उठना। ए निठल्ल सुन, एक मिनट। संतू जी। नहीं, वो पार्टी में छोले ज्यादा खाए ना, इसलिए। यहाँ पर 5 मिनट और रहे तो हम मर जाएंगे संतू जी, आपको फोन करते हैं। संतू जी, अरे अभी बारिश होकर हटा है, मौसम एकदम कड़कड़ाया हुआ है,
हाँ अंदर बिलौटा के बदबूदार भपके, यहाँ बारिश में मौसम के थपके, समझ में नहीं आ रहा जाए तो कहाँ जाए, नींद भी आ रहा है हमको। घर क्यों नहीं चला जाता? ऐसे कैसे घर चले जाए संतु जी, आपको तो पता है कि हमारा ड्यूटी रात में थाना में रहता है, और चाबी जिसको दे कर रखे वो अपना ड्यूटी से सुबह में वापिस आएगा, घर चले भी गए तो दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। संतु जी हम ना रात बिताने कोई ठोर ठिकाना ढूंढ कर आपको इत्मीनान से फोन करते हैं। ठीक है ओके, करना कॉल। लव यू संतु जी, लव यू, लव यू। Decent lodge. अरे भाई क्या है? कमरा चाहिए हमको। डिटेल भर लो, आगे से राइट निकल लो। बस मतलब हमसे हमारा आईडी ओडी नहीं लोगे तुम? गजब आदमी हो यार। अगर मानो कि हम असामाजिक तत्व हुए, कोई गंभीर अपराध करके इससे निकल गए तो पुलिस को कैसे पता चलेगा कि हम कौन थे? यार क्या मुसीबत है। हो गया? बस हो गया यार, और क्या करें? तुम्हारा ब्लड टेस्ट करें, डीएनए टेस्ट करें, कमरा किराए में लेने आए हो, ताजमहल थोड़ी लेने आए हो, सोने दो। हाँ ठीक है, कमरा नंबर दो, खुद लो। चाबी पीछे लगी हुई है। बड़ा निशाचर इंसान है यार। आगे से राइट लेके दो कमरे छोड़ के कमरा नंबर 22। अरे माफ करना बहन जी, बहन जी, भाई जी, चीचा भाई जी, आंख पे क्या लगा के घूम रहे हैं? ऐसे लगा कर घूमेगा तो टकराएगा ही ना। इन आंखों में ना कुछ दिखाई नहीं देता है, दोनों आंखों में मोतियों का झुंड है बेटा, ये देखो। बंद कीजिए, बंद कीजिए, देख लिए, देख लिए, देख लिए हम, बंद कीजिए, बंद कीजिए। ठीक है ठीक है, देख लिए, बस बंद कीजिए। हाँ हाँ सीधा निकल जाइए इस तरफ। हाँ अब निकल के, ना ना उस तरफ नहीं, इस तरफ जा रहे थे आप, निकल गए कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा आराम से, दीवार में टक्कर मार के कपार मत फाड़ लीजिएगा। चलिए निकले, आ जाइए आराम से सीधा। एक मिनट, आप कौन है बहन जी? कौन चोर? कैसा चोर? किधर है चोर? तुम? हम 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 कैसे चोर? कल रात ये कमरा हमारे पास था, और कल रात से हम यहीं पर सो रहे थे। क्या बात कर रही है मैडम, कल ही रात में हम खुद अपना हाथ से ही कमरा बुक किए, वहाँ से दरवाजा खोले और यहाँ पर आकर लेट गए, और यहाँ यहाँ पर प्रलय ज्वालामुखी मर गया, चीता चतुर्वेदी लग गई तुम्हारी, चीतेश्वर चतुर्वेदी। अगर गलती से संतु जी कोई बात पता चल गया ना, तुम्हारा तो जिंदगी बर्बाद। लफंगे कहीं के बदमाश, तुम्हारी ये हिम्मत मैंने छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी। हमें हमें देखिए देखिए मैडम 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 देखिए, हाँ हमें हमें हम हमें पुलिस वाले। पुलिस वाले होके इतनी घटिया हरकत करते हो, मैं ना तुम्हारे डीएसपी से कंप्लेंट करूंगी, पूरी दुनिया को दिखाऊंगी पुलिस वालों का असली रूप। हाँ देखिए मैडम, देखिए देखिए देखिए, हमको आपको आपको माफ कर दीजिए, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ये सब कुछ मत कीजिएगा, हमने एकदम रिक्वेस्ट करना है। देखिए हम ऐसा टाइप का आदमी बिल्कुल भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुआ है, हम आपको बताते हैं क्या हुआ। हम ना बहुत ज्यादा थके आ रहे थे, आए हम अचानक से यहाँ रिसेप्शन पर ना, एक रूम बुक किया और आकर हम लेट गए, हमको नहीं पता था कौन किधर है, कौन किधर कैसे क्या पड़ा हुआ है हमको ना। देखिए हम ना किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारी जिंदगी है, उसको गलती से भी अगर पता चल गया ना, हम किसी और के साथ ऐसे हमारा रिश्ता टूट जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैडम मैडम, हम छू नहीं रहे, हम छू नहीं रहे, हम एक आप टैटू बनवाई है ना, आप भी किसी से प्यार करती है ना। मैडम सोचिए, अगर गलती से भी उस इंसान को ये पता चल गया कि पिछला रात आप किसी खस्ता से होटल के सस्ता सा कमरा में,
सोचिए सोचिए कितना खराब हो जाएगा मैडम, आपका रिश्ते में दरार पड़ जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा आपका। मैडम किस किस को समझाती फिरेंगी आप कि हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं मानेगा। मैडम हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना मैडम, हम दोनों लोग ना एक सपना की तरह ना भूल जाते हैं। आप इसके बारे में किसी को मत बताइएगा, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, और इससे हमारा रिश्ता बच जाएगा और आपका बदनामी होने से बच जाएगा मैडम।